क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन ह्यूमन काइंड और बाकी प्रजातियों के लिए हाईली कंसर्निंग इशू है। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि अब हमें क्लाइमेट चेंज बोलना छोड़ देना चाहिए और इस स्टेज पर क्लाइमेट क्राइसिस फ्रेज का इस्तेमाल करना चाहिए। मीडिया, सोशल मीडिया आज चर्चा या इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेज में शब्दों के बदलने से परेशानी या चिंता की डिग्री का पता चलता है। जलवायु परिवर्तन एक आम इम्पैक्ट लेकर आता है, बल्कि क्लाइमेट क्राइसिस यानी जलवायु संकट से समझ आता है कि हमारी पृथ्वी का पर्यावरण संकट में है। क्लाइमेट चेंज जनरली एवरेज वेदर कंडीशंस यानी बारिश, कोल्ड, समर एक्सेट्रा में सिग्निफिकेंट वेरिएशन को कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, यदि गर्मी का मौसम ओवर अ फ्यू ईयर्स एवरेज से बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है या बारिश का पैटर्न बदल रहा है, एक जगह जहाँ बारिश नहीं होती थी वहाँ तेज़ बारिश हो रही है और वहीं जहाँ बारिश होती रही है वहाँ सूखा पड़ रहा है। इसके अलावा बारिश के पैटर्न का मतलब ये भी होता है कि यदि कहीं बारिश बंद ही नहीं हो रही है या फ्लड्स आ रहे हैं। इन चेंजेस के कारण जियोग्राफिकल और एटमॉस्फेरिकल एनोमलीज भी पैदा होते हैं। ये कोई एक दो साल नहीं बल्कि कुछ दशक तक चलने पर नापा जाता है। लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स इस तरह के चेंजेस दिखाते हैं तो उन्हें नेचुरल वेदर वेरिएशन से अलग मानकर क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज का एक मेजर फैक्टर ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन इंड्यूस्ड है क्योंकि फॉसिल फ्यूल से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2 और CO इसमें बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये रैपिड वार्मिंग क्लाइमेट ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए ग्रेटेस्ट थ्रेट है। करीब 200 मेडिकल जनरल्स ने एक अनप्रेसिडेंटेड जॉइंट स्टेटमेंट में ग्लोबल लीडर से अर्ज करते हुए कहा है कि हीट ट्रैपिंग एमिशंस को कट करें। द लैंसेट, द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जैसे कई वेल नोन जर्नल्स ने कहा है कि वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए COVID-19 पैंडमिक के खत्म होने का वेट नहीं कर सकता है। जाहिर है कि क्लाइमेट चेंज का हेल्थ, इकॉनमी, सोशियो इकोनॉमिकल लाइफ और मेंटल स्टेट पर ग्रेव इम्पैक्ट होगा, लेकिन एक सवाल है कि दोस्तों इस स्पेक्ट्रम में इंडिया कहाँ खड़ा है? क्या इंडिया इस क्राइसिस के लिए तैयार है? इंडिया को किस किस सेक्टर में लॉसेस होंगे? कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो इंडिया को बूस्ट देंगे? इंडियन गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या कोशिश कर रही है? और कोशिश से मेरा मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में प्लास्टिक बैग बैन कर देना नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल फ्यूचर को लेकर आज उठाए जाने वाले कदमों से हैं। सॉल्यूशन की ओर जाने से पहले एक बार हम एक रीसेंट स्टडी को डिस्कस कर लेते हैं जिसमें सामने आया है कि इंडिया को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है और कारण है क्लाइमेट चेंज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। इंटर गवर्नमेंटल, प्राइवेट और सैकड़ों ऐसी इंटरनेशनल स्टडीज हैं जो अलग अलग एजेंडास के साथ पब्लिश की जाती हैं। कुछ स्टडीज का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक एजेंडा होता है, कुछ का हेल्थ सेक्टर पर फोकस होता है, कुछ टूरिज्म पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को मॉनिटर करते हैं, लेकिन दोस्तों इवेंचुअली ये सभी इकोनॉमी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करती ही हैं। 2021 में रिलीज की गई ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में बताया गया है कि 2019 में इंडिया क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल इम्पैक्ट में डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट को झेलने वाला 7th मोस्ट अफेक्टेड नेशन था। इंडिया के अलावा 1st to 6th में सभी देश पुअर कंट्रीज हैं, जैसे मोजाम्बिकी, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मालावी एंड अफगानिस्तान। 2000 से 2019 के बीच ग्लोबली करीब 11,000 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं, जिससे यदि परचेजिंग पावर पैरिटीज में देखा जाए तो $2.56 trillion का इकोनॉमिक लॉस हुआ है और 4,75,000 लोगों की जान गई हैं। 2019 में मॉनसून इंडिया के नॉर्मल टेन्योर से करीब एक महीने लंबा रहा था। जून से सितंबर के एंड तक इससे फ्लडिंग हुई और 1.8 मिलियन लोगों के डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ 14 स्टेट्स में 1,800 लोगों की जान गई थी। ओवरऑल 11.8 मिलियन लोगों पर इसका असर हुआ था और इकोनॉमिक डैमेज का एस्टिमेशन करीब $10 billion रहा। इसी दौरान 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी इंडिया में आए थे, जिनमें से 6 वेरी सीवियर कैटेगरी तक पहुंचे थे। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन फानी ने करीब 28 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया और इंडिया और बांग्लादेश में 90 लोगों की जान गई। केवल इस साइक्लोन से ही $8.1 billion का लॉस एस्टिमेटेड था। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने 2000 से 2019 के बीच का टेन्योर लिया। ये इंडेक्स दोस्तों एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को फैटेलिटीज और इकोनॉमिक लॉसेस के पैमाने पर एनालाइज करती हैं। इस इंडेक्स में ये भी सामने आया है कि 10 में से 6 कंट्रीज को
2000 से 2019 के बीच सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हुई हैं और वो कंट्रीज लो टू लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आती हैं। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज पर डिस्प्रोपोर्शनेटली पड़ता है। यहाँ के लोगों की जिंदगी और लाइवलीहुड्स पर गहरा असर होता है। इस इंडेक्स की स्टडी को कंडक्ट करने वाली फर्म जर्मन वॉच की लॉरा शेफियर कहती हैं कि ग्लोबल कोविड-19 पैंडमिक ने इस बात को दोहराया है कि वल्नरेबल कंट्रीज कई रिस्क जैसे क्लाइमेट, जियोफिजिकल, इकोनॉमिक और हेल्थ में एक्सपोज रहती हैं और ये वल्नरेबिलिटीज सिस्टमैटिक और इंटरकनेक्टेड हैं। रिसेंटली डेलॉइट इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ने भी एक स्टडी में बताया है कि 2050 तक यदि इंडिया क्लाइमेट चेंज को लेकर फर्म, अफर्मेटिव और कंक्लूसिव स्टेप्स नहीं लेता है तो देश को $6 trillion का नुकसान 5 मेजर सेक्टर्स में देखने को मिल सकता है। सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट, ये 5 सेक्टर्स को भारी नुकसान होने की संभावना है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इरेटिक वेदर पैटर्न्स और ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतना मॉनेटरी लॉस हो सकता है। इन सेक्टर्स पर करेंटली इंडिया की 80% GDP निर्भर है। डेलॉइट इंडिया के चेयरपर्सन अतुल धवन कहते हैं कि हमारे पास अगले 10 साल की नैरो विंडो है जो फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री को डिसाइड करेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा 2070 तक $35 trillion लॉस एस्टिमेट करता है। हालांकि डेलॉइट की रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर इंडिया अपना पोटेंशियल पहचान लेता है और ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सस्टेनेबल फ्यूचर बनाता है तो ये भी हो सकता है कि $11 trillion गेन कर ले। 2015 में क्लाइमेट चेंज पर पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जिसे दुनिया के लगभग सभी देशों ने रेटिफाई किया है। इसमें इंडिया भी शामिल है, लेकिन इंडिया का स्टैंड करीब करीब ये रहता है कि क्लाइमेट चेंज डेवलप्ड कंट्रीज ने इंड्यूस किया है जिसमें इंडिया का कोई मेजर रोल नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर स्टेप्स नहीं ले रहा है। एक मेजर इकोनॉमी और सब कॉन्टिनेंट होने के नाते स्टेप्स लेना जरूरी हो जाता है। पेरिस एग्रीमेंट के बाद से एक क्लोजर लुक डालने पर पता चलता है कि पेरिस टारगेट के 3 कॉम्पोनेंट्स में से 2 पर इंडिया ऑन ट्रैक है। पहला ये है कि इंडिया ने 2030 तक के अपने 33-35% एमिशंस इंटेंसिटी के टारगेट में से 21% करेंटली अचीव कर लिया है। सेकेंडली, इंडिया का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का टारगेट था जिसमें से 38% करेंटली अचीव कर लिया है। इसका मतलब केवल 2% शॉर्ट है। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी में रिन्यूएबल्स, लार्ज हाइड्रो और न्यूक्लियर प्लांट्स आते हैं, लेकिन तीसरे कॉम्पोनेंट में अब भी एफर्ट की कमी दिखाई देती है। इस कॉम्पोनेंट में इंडिया को चाहिए कि 2030 तक 2.5 टू 3 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट फॉरेस्ट कवर हों। इस पर काम होना बाकी है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी काम कर रहा है और सोलार और थर्मल कैपेसिटी को इकोनॉमिक और एफिशिएंट बनाने में लगा हुआ है। नेशनल लेवल पर इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान में एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं और स्टेट लेवल पर एफिशिएंट बिल्डिंग्स और कूल रूफ्स पर काम शुरू है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, एसी से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेगा। फेम सेकेंड स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट देने वाली ₹10,000 करोड़ की एक पहल है जो प्रोसेस में है। इंटरनेशनल फ्रंट की बात करें तो इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि CDRI एंड लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन में लीडिंग एफर्ट्स के साथ काम कर रहा है। पेरिस एग्रीमेंट पर डेडिकेटली काम करने के लिए इंडिया ने रिसेंटली एपेक्स कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट यानी कि AIPA क्रिएट किया है जो 14 की मिनिस्ट्रीज के साथ काम करते हुए बिजनेसेस, स्टेक होल्डर्स और US के साथ इंगेज कर पेरिस एग्रीमेंट को फुलफिल करने का काम करेंगी। साथ ही साथ इंडिया की क्लाइमेट एक्शन प्रोग्रेस को मॉनिटर और इम्प्रूवमेंट को देखने के लिए नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NRDC, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, द काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर, द सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन एंड द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी TERI के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, स्ट्रेटजीज और मशीनरीज तो उपलब्ध हैं, पर सोशल स्पीयर में भी अवेयरनेस बढ़ाते हुए पेस के साथ स्टेप्स लेना जरूरी है। दोस्तों, इंडिया के क्लाइमेट चेंज के गोल्स को लेके आपका क्या ओपिनियन है? क्या पेरिस एग्रीमेंट में डिस्कस्ड सारे गोल्स को इंडिया अचीव कर पाएगा या इंडिया को अभी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।